एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है सेल का, ठीक है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट है उसको सेल किया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर है और क्वांटिटी 100 ले रखे हैं, उसका रेट है 52,000, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 52 लाख का हो जाएगा, 52 लाख का। अब इसी जो एग्जाम्पल है इसी को लोग ना टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। टैली करने के लिए आप टैली ओपन कर लेंगे, टैली में पहले से हम लोग एक कंपनी ओपन बना ओपन की रहेंगे या क्रिएट कर लेंगे, उसमें जाकर TCS को इम्प्लीमेंट करने से पहले TCS को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो सेट करना होता है। तो गेटवे आप टैली में आ जाएंगे, उस प्लेस पे आकर के आपको फीचर में जाना है, F11 कर देंगे, फीचर में इंटर करेंगे, ये ऑप्शन खुलेगा। इस ऑप्शन में जाकर के टैक्स स्टेटरी टैक्सेशन को चूज करेंगे और एंटर करेंगे, फिर आपका यहाँ पर कंपनियों का नाम दिखेगा, जिस कंपनी में आपको TCS अप्लीमेंट करना है उसको चूज करके इंटर कर देंगे। जब इंटर करेंगे तो यहाँ उसका सेटिंग खुलेगा, आपको सीधे चले जाने हैं जहाँ पर TCS लिखा है वहाँ आ जाएंगे। ये TCS लिखा हुआ है, TCS अनेबल, अनेबल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा है सेट अल्टर TCS डिटेल, इसको भी यस कर लेना है। जैसे ही सेटल करेंगे एक नया विंडो देगा, उस विंडो में आपको यहाँ लिखना है पहले टैक्स असेसमेंट नंबर, सॉरी ये TEAN का मतलब है टैक्स असेसमेंट नंबर। यहाँ पे कोई 4-5 डिजिट ऐसे दे दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। अभी पूछ रहा है टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर है इसका फॉर्मेट होता है। पहले आपको कोई भी 4 कैरेक्टर देना है, हाँ जी 4 कैरेक्टर देना है, फिर आपको 5 कोई डिजिट देना है और 1 कैरेक्टर और देना है। इसी फॉर्मेट में इंटर करके यहाँ से, और यहाँ पे आप चूँकि जो ये पर्सन है जिसका आप TCS जिसको जो TCS जमा करेगा वो उसका नेचर क्या है, वो इंडिविजुअल पर्सन है कि कंपनी है, तो कंपनी लेंगे क्योंकि यहाँ पर टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कंपनी चूज कर लेंगे। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी इसको छोड़ देंगे आप और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर यहाँ से ये दूसरा जो है पेरोल है इसको नो कर लीजिएगा ना, ये तो आपको बार बार आएगा ऑप्शन में। अब यहाँ पे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, इतनी सेटिंग करने के बाद TCS को उस पर यस कर लेंगे। ये TCS हम लोग का यहाँ पे उसमें अनेबल हो गया, उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे, स्कैन बटन से बाहर आएंगे और चले जाएंगे आप अकाउंट इन्फो में आएंगे। अकाउंट इन्फो में आकर के हम लोग को 4 बनाना है, तो आएंगे लेजर में आएंगे, 4 लेजर बनाना है, क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग बनाएंगे जो जिससे हमको TCS लेना है, जिसे TCS लेना होता है उसको बायर करते हैं, बायर है ना, बायर पार्टी, कोई भी पार्टी का नाम लिख लीजिए, जिसका पर्सन नाम लिख लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी करेंगे तो भी हो जाएगा, बायर पार्टी अकाउंट नेम। अब ये जो बायर होता है जो कंपनी से पैसा लेता है उसको सेंडी डेबिटर करते हैं, यस सर, सो सेंडी डेबिटर करेंगे। जैसे करेंगे तो यहाँ बिल बाय बिल उसका हर बिल में अलग अलग आएगा, यस कर लीजिएगा और सब छोड़ देना है। यहाँ आना है TCS अप्लीकेबल, इसको यस करिएगा, है ना, यही आपका एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको यस करना है। जैसे यस करेंगे देखिए आपसे पूछेगा ये जो बायर है, बायर का ये किस टाइप का है, ये इसका नेचर क्या, मतलब किस तरह का, वो कोई इंडिविजुअल पार्टी है या कंपनी है या बाहर की कंपनी है, नॉन स्टेट मतलब बाहर की कंपनी है, तो जो आपको यहाँ चूज होगा, जैसे आपने हमने कंपनी ले रखा है यहाँ पे, है ना, जिससे हम लोग माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वो कंपनी है तो कंपनी ले लेंगे, कोई इंडिविजुअल पार्टी तो इंडिविजुअल पार्टी ले लेंगे, जैसा इसमें से उसका नेचर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, खरीद करने इसको यहाँ से इंटर कर लेंगे। अब जब इंटर करेंगे तो जब हम लोग यहाँ पे बायर है पार्टी है तो इसका पैन नंबर डालना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ भरा आप यहाँ पे उसका एड्रेस भर सकते हैं, यहाँ दिखा ना उसका मेलिंग एड्रेस, उसका नाम क्या है, वो किस एड्रेस पे रहता है, उसकी कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, उसका पिन कोड क्या है, ये सब भरना ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन यहाँ आपको पैन नंबर भरना ज़रूरी है। पैन नंबर नहीं भरेंगे तो TCS 1% कट जाएगा, और अगर भरेंगे तो जितना हम लोग दिए रहेंगे रेट उतना ही कटेगा। तो जो टैन का जो पैन नंबर का जो एक फॉर्मेट होता है उसमें आपको कोई भी कैरेक्टर भर देंगे 3, चौथा आप वही भरेंगे जो यहाँ चूज किए होंगे। अगर इंडिविजुअल है तो P करना है, कंपनी है तो C करना है, फर्म है तो F करना है। उसके बाद का जो कैरेक्टर कुछ भी भर दीजिए, फिर आप 4 दीजिए, कोई भी 4 न्यूमेरिक दीजिए, एक और हाँ तब भी ले लेगा, बट फॉर्मेट यही है, तो फॉर्मेट भरेंगे तो आपको यहाँ पर वो अलर्ट नहीं करेगा। नहीं वो आप कर सकते हैं, वहाँ करेंगे तो पैन पूछा पैन किस नाम किसके नाम से है, ये सब आएगा, ज़रूरी नहीं है ना, हो गया जी। तो इसमें आपको जो पार्टी वाले में है पार्टी का नाम लिखना है, उसका ग्रुप होगा तो संडे डेप्टर हो जाएगा, यहाँ जरूरत नहीं है कुछ करने का, यहाँ ऑप्शनल आप बाहर आ सकते हैं। TCS में अप्लीकेबल यस जरूर करिएगा,
कि उसका जो पार्टी है, पार्टी का नेचर यहाँ देना जरूरी है और उसका पैन नंबर देना जरूरी है। इतना ऑप्शन इसमें आपको देना होगा, इसके बाद आप ऑप्शनल है। तो एक हमारा बन गया, इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे सेल का, है ना, सेल अकाउंट। जैसे आप प्रॉपरली बनाते हैं पीछे, ऐसे ही सेल का बनाएंगे, सिंपली बनाएंगे। सेल का सेल होता है, सेल का ग्रुप सेल होगा। यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू यस करना है, तो जब सेल करेंगे तो क्या सेल किया, आइटम का नाम तभी आएगा जब इसको आप यस रखेंगे। इसलिए यहाँ पे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में उसको एस करना जरूरी है। ये लेजर टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे अभी नो अप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे TCS है, इसको अप्लीकेबल करना जरूरी है, नहीं तो नहीं करेंगे तो TCS डिटेक्ट नहीं करेगा, वो करेक्ट नहीं करेगा। यहाँ इसको अप्लाई अप्लीकेबल करिएगा TCS को, इस चीज़ ये जरूरी है। इसके बाद ये पूछेगा ये इसका नेचर क्या है सेल का, तो यहाँ आप न्यू कैटेगरी बनाइएगा। हाँ, इस ऑप्शन में आ करके हम लोग न्यू कैटेगरी बनाएंगे। न्यू कैटेगरी जब क्रिएट करेंगे तो उस सेल पर कितना TCS कलेक्ट करेगा वही सारा सेटिंग देना जरूरी है। अगर आप एनी कर देंगे तो आपको जितने TCS सब पे आएगा, इसलिए आपको यहाँ अनडिफाइंड नहीं करना है। यहाँ पे आपको पहले कैटेगरी डिफाइन करना है। यहाँ एंटर करिएगा, एंटर करने वाले नेम दीजिएगा कि वह सेल है, सेल किस लिए है, ये है ना, ये सेल है, ये है सेल सेल ऑन TCS, सेल ऑन TCS, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। अब इस सेक्शन पूछ रहा है जो सेल पर जो TCS कलेक्ट किया जाता है उसका सेक्शन होता है 206 होता है, सी होता है, ठीक है। इसी सेक्शन के तहत वहाँ पे उसका वो अथॉरिटी होता है TCS लेने का। अब यहाँ पे पेमेंट कोड है, अभी मिला नहीं, छोड़ देंगे उसको। अब ये अगर TCS लग रहेगा तो अगर पैन नंबर जमा है तो उसको आपको 0.75% काटना है। अगर पैन नहीं है तो उसको 1% काटना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये भरना बहुत जरूरी है, यही भरेंगे तभी TCS तो 1% कटेगा। यही वो तो TDS में था 20%। यहाँ जाएंगे आप TCS लेंगे। अब इसी को ये लिमिट पूछ रहा है कि कितने लिमिट तक TCS कलेक्ट करना है। तो जनरली जो लिमिट उसका है 50 लाख है, तो 50 लाख आप यहाँ लिमिट कर देंगे। अब जो अमाउंट होगा 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख से ऊपर होगा तभी TCS कलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद यहाँ इधर कुछ भी जरूरत नहीं भरने का आपको, यहाँ बैंक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ एक्सेप्ट कर लें। इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, सेल अकाउंट जैसे प्रॉपर डालते थे वैसे ही करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। अंडर भी वही रहेगा आपका, इन्वेंट्री रहना जरूरी है, नहीं तो आइटम का नाम नहीं पूछेगा, ये ऐसा तभी आइटम का नाम पूछेगा। अब जो चेंज करना है आपको, जो अलग TCS के लिए जो सेटिंग करनी है यहाँ करना है, TCS के ऑप्शन को अप्लीकेबल करना है, नेचर में जाकर आपको न्यू है ना, न्यू कैटेगरी चूज करना है और वहाँ पे उसका नाम लिखना है और उसका TCS का रेट डिफाइन करना है। इतना काम आपको यहाँ करना है और आगे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी ऑप्शन। अब यहाँ जाएंगे, दो हो गया, तीसरा हम लोग बना लेंगे TCS का, TCS का अकाउंट, ठीक है। अब TCS जो आपका टैक्स है तो ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा इसका, है ना, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ आएंगे जो टैक्स है वो किस तरह का है, अगर है TCS है, TCS है, TCS चूज कर लिया यहाँ पे। अब ये जो कह रहा है आपको, ये यहाँ पे आप सेल ऑन TCS करिएगा। जो TCS ले रहे हैं कहाँ ले रहे हैं, सेल पर ले रहे हैं। ये हम लोग बनाए कहाँ हैं, जो हमारा सेल वाला बन रहा था कि नहीं, वहाँ हम न्यू कैटेगरी करके इसको बनाए, ठीक है, इसको आप यहाँ लिख करिएगा। अब ये पूछेगा पेरोल, इसको मतलब पेरोल से यहाँ कोई मतलब तो है नहीं TCS से, इसको नो रहने देंगे बस। अब इसमें कुछ पूछना है आपको, बस सिंपल सा TCS अकाउंट लिखना है, यहाँ उसका जो ग्रुप होगा यहाँ वो अंडर जो रहेगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस कर लेंगे। यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी में TCS सेलेक्ट करना है, जो आपने सेल में बना रखा है न्यू कैटेगरी से वो यहाँ ऑप्शन यहाँ चूज कर लेना है बस। और यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक बना लेंगे, बैंक का बना सकते हैं, कैश का। अब ये तो बनाना जरूरी नहीं है, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हमको क्रिएट करना है एक, कोई भी एक आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री में आ जाएंगे, है ना, इन्वेंट्री में आएंगे। इन्वेंट्री में आपको इस ग्रुप बनाना है, पूरी ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप में जैसे मैंने बना दिया जी, हार्डवेयर कर दिया, यहाँ जरूरत नहीं यहाँ सब करने का। एक यूनिट बना लेंगे, यूनिट में आकर हम लोग पीस बना लेंगे, यूनिट में आएंगे। यूनिट में अगर पीस क्रिएट करके सिंपल में जाकर पीस कर देंगे, कंप्यूटर पर हम लोग पीस के थ्रू खरीदेंगे बेचेंगे। और अब यहाँ पे आकर के आप उसको आइटम स्टॉक आइटम बना, स्टॉक आइटम में आना है, क्रिएट करना, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही सब बनाना है, चेंज कुछ नहीं है। यहाँ चेंज करना होगा, देखिए यहाँ नेम में आएंगे,
नेम में आपने जो भी आपको आइटम है, जैसे हम लोग जो एग्जांपल एग्जांपल के अनुसार हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम कंप्यूटर है, तो यहाँ हम लोग आकर के कंप्यूटर ही लिखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर ले लिया। और ये हार्डवेयर में आएगा, जो कैटेगरी है हार्डवेयर में ग्रुप में किए हैं, इसको पीस से हम लोग बेच रहे हैं, पीस ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे TCS है ना, इसको आपको अप्लीकेबल करना जरूरी है, समझ गए ना। तो यहाँ पे अप्लीकेबल करना जरूरी है, यहाँ आएंगे एक प्रेस करेंगे अप्लीकेबल ले लेंगे आप। फिर ये पूछ रहा है कि ये जो सेल है ये किस पर डिफाइन किया गया है, सेल ऑन TCS वाले पर डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको चूज करना जरूरी है आपके यहाँ। अब ये कोई रेट यहाँ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आप चाहते हैं कि पहले से, अब चूँकि आप इसको बेच रहे हैं तो आपके पास पहले से कंप्यूटर है कि नहीं, या तो माइनस में दिखाएगा, तो यहाँ आप कोई दे दीजिए, पहले से कोई आप दे दीजिए कि हाँ मैंने पहले से खरीद रखा है, हमारे स्टॉक में है। तो यहाँ आपने क्वांटिटी, चलो आपको वहाँ पे 100 था, इसको चलो मान लो आपने 100 खरीद, आपके पास 100 है और रेट है, रेट उसको चलिए आपने कर दिया, चलो 50,000 कर दिया है ना, 50,000 कर दिया। और ये अपने देखिए आ गया, अब इसी को हम लोग सेल आउट करेंगे, नहीं करेंगे तो माइनस में आएगा, जरूरी नहीं है आप नहीं भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन वहाँ पे जो दिखाएगा ना माइनस नेगेटिव दिखाएगा माइनस, तो स्टॉक में आप रख लेंगे तो अच्छा होगा। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद अब इस आइटम को हम लोग सेल करेंगे और उस पर TCS जनरेट करेंगे, है ना। तो इसको करने के लिए आप आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और इसको खोलना है सेल मोड में, F8 F8 कर लेंगे, F8 करेंगे, रिफ्रेंस नंबर पूछेगा, इसमें आप कोई भी इनवाइस नंबर डाल देंगे, यहाँ पार्टी किसको बेच रहे हैं, बायर को बेच रहे हैं, हम लोग बायर का नाम ले लेंगे। अब इस बायर का डिटेल है, इसको आप भरना जरूरी नहीं है, भर भी सकते हैं, इसमें रहे डिलीवरी नोट्स है, फिर यहाँ पर डिस्पैच, किस डिस्पैच नंबर हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, आप ट्रांसपोर्ट से बेच रहे हैं, किससे भेज रहे हैं, फिर कहाँ भेज रहे हैं, है ना, बम्बई भेज रहे हैं, किस सिटी में भेज रहे हैं। हाँ जब आप कहीं पे जब किसी कंपनी का ये कुक करेंगे उसको, तो आपको पूरा भरना पड़ेगा, यही उसको रिसीविंग मिलेगा जिसको आप भेजेंगे, है ना। जहाँ आप ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी दिया जाता है, तब वो जानता है कि हाँ ये आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ पहुँचाना है। ठीक है, और फिर वहाँ पर जहाँ ले जाएगा तो वो वहाँ रिसीव कराएगा कि हाँ जी मुझे मिल गया, ये पूरा देखिए बायर का नाम है, किसके यहाँ जाना है, किस पते पर जाना है, सारा यहाँ पर रहेगा, ये भरना ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं नहीं भी। यहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल बना रखा है, सेल लिया। अब यहाँ पे आइटम है, आप जब इसको स्पेस बार करेंगे देखिए अपने आप आ जाएगा, और यहाँ चूज कर लेंगे, चूज करेंगे तो पूछेगा इसको न्यू नंबर दीजिएगा या नंबर 1, 2 कुछ भी डाल दीजिएगा, या डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट ऑन है वहाँ पे, चलिए कोई डिस्काउंट, अच्छा वो ये दे रहा है कितने दिन के लिए आप उधारी दे रहे हैं वो है, जरूरी नहीं भरना। क्वांटिटी यहाँ पे चलो उसको हमने 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर खरीदा, रेट क्या है, एक करेट हमने लगा रखा था 52,000 कर दिया, ये देखिए हो गया 52,00,000 रुपये, है ना, 52,00,000 हो गया ये। यहाँ से आप इनको इंडाब्लिश कर देंगे और यहाँ एक इंटर करेंगे, 50,000 लगा वो तो खरीदने के लिए ना, खरीदने बेचेंगे तो बढ़ाकर बेचेंगे ना, अभी तो यहाँ करेंगे, और यहाँ पे अब आकर के आप फिर स्पेस बार करेंगे और यहाँ TCS ले लेंगे, ठीक है, अमाउंट अपने आप आ गया TCS, ऑलरेडी अपना TCS आ गया। अब इसको एक इंटर और करेंगे और एक इंटर और कर देंगे, यहाँ आने के बाद अब आपको देखना है कि TCS कितना परसेंट कटा है, कोई कुछ क्लियर तो है नहीं, बस अमाउंट आ गया, अब क्या पता है 10% कटा है कि 3 क्या कटा है, तो आपको TCS एनालिसिस पर क्लिक कर देना है, सॉरी टैक्स एनालिसिस पर, जैसे करेंगे देखिए बता नहीं है ना कितना हुआ है, आ जाइए ये आपको यहाँ कन्फर्म हो जाएंगे, हाँ जो मैंने दिया था रेट वहीं कटा है, कुछ और नहीं कट गया, तो यहाँ इसका बाहर आ जाएंगे आप स्कैपर के वहीं आ गए। अब इसको आपको ये देखना जरूरी नहीं है, हाँ वो आप कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप इस जो एंट्री है इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा बस, ठीक है। ये TCS जनरेट हो गया, अब TCS को हमको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप या 5 खोल लीजिए पहले, या 5 कर लिया, अब आप आ जाएंगे स्टैट पेमेंट पे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें जो भी ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को फिट करना, देखिए यहाँ TCS पूछ रहा है, TCS लेंगे, वहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना, वहाँ सिर्फ आप 5 में खोल के RTS कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे TCS किस महीने का है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है। अब ये कब कलेक्ट किया गया है, है ना, वो हो गया। अब यहाँ पे ये किस सेक्शन के तहत है ये हो गया, ये किस पर कट रहा है, सेल पर कट रहा है, वो सही है, ऑल आइटम कर देंगे, देख रहे हैं आप कुछ लोग कर नहीं रहेंगे नहीं, और ये जो हमारा जो आपका है वो रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल या उसको ऑल प्रोग्राम कर सबको कर लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होगा ना,
या आ ले लीजिएगा, जो भी होंगे सब में आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए अब कैश है कि बैंक, हम लोग बैंक बनाए नहीं है, कैसी रहेगा पीछे वो लिखे थे ना लास्ट में आएगा, तो आप जो बैंक बना तो बैंक भी आता, तो बैंक के थ्रू अगर चेक काटना है तो आप बैंक लेंगे, अगर हार्ड कैश जमा करना है तो कैश लेकर इसको एंटर कर देंगे। देखिए आगे जी है ना सर, यहाँ पर टी सी एस कैलकुलेट हो गया 39,000 बस, ये पेमेंट हो गया आपका। अब इसका आपको रिपोर्ट देखना है तो यहाँ स्कैप कर लीजिएगा, डिस्प्ले पे आ जाइएगा है ना, डिस्प्ले पे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा स्टेटरी रिपोर्ट, यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ आप टीसीएस आएगा, टीसीएस क्लिक करेंगे और ये फॉर्म आपका है फॉर्म 70EQ, ये आपका देखिए ये डिटेल, इसी को हम लोग प्रिंट करके प्रिंट करके बैलेंस शीट पे नहीं दिखाएगा, वहाँ भी दिखाएगा, वहाँ दिखाएगा जी बैलेंस शीट पर दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्ट में दिखाता है, डिक्लेयर दिखाता है कि नहीं, यहाँ देख कितना बाउन है, वहाँ पे टोटल अमाउंट है, कितना कलेक्ट हुआ है, ठीक है, ये करंट यही है, यही आपको पेमेंट करना है, ठीक क्लियर हो गया।